दुनिया सारी, जोश है और जुनून है और जज्बा है चिंगारी, सारा जहां दीवाना मुट्ठी में दुनिया सारी, जोश है और जुनून है और जज्बा है चिंगारी। सुबह सुबह नाम हमारा, हम में भी कुछ बात है, जो ठान लिया वो कर जाना है, उसमें ही कुछ खास है। ख्वाबों को हकीकत के रंगों से सजाना है, हर रंगी हकीकत को फिर से पंख लगाना है। मंजिले पीछे हम है, आगे हमसे सारा जहां, जहाँ देखो अपना जलवा, हम दुनिया के बादशाह। दिलकश है अंदाज हमारा, यारों हम कमाल है, लोग मिसाले देते अपनी, हम तो बेमिसाल है। नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा मीरापुर में रक्षाबंधन पर्व को लेकर दुकानें सजनी शुरू हो गई है, जहां बहनें अपने भाइयों के लिए राखियों की खरीदारी कर रही हैं। रक्षाबंधन पर्व से पूर्व मीरापुर कस्बे के प्रमुख बाजार खरीदारों से गुलजार हो रहे हैं। यहां राजस्थानी, कलकत्ता, जयपुर की आकर्षक राखियों को खरीदने वाले ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा मीरापुर में रक्षाबंधन से पूर्व बाजारों में सुबह से लेकर देर शाम तक सजी हुई राखियां महिलाओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। डिमांड को भांपकर दुकानदारों ने राखी के पर्व को भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। दुकानदारों ने खरीदारों के मूड के हिसाब से अपनी दुकानों को सजा रखा है। कस्बे के मुख्य बाजारों सहित अन्य मार्केटों में राखियों का गिफ्ट आइटमों की दुकान पर खासी भीड़ लगी है। यहां बाजारों में समय के साथ राखी का स्वरूप भी बदल गया है। पहले रेशम के धागे की सादा राखियां चलती थी, वहीं अब महंगी राखियां आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। बाजार में डायमंड कट वाली राखियां, कुंदन की जड़ाऊ राखियां, मोतियों से सजी राखियां तथा बच्चों के लिए कार्टून करेक्टर वाली कलकत्ता, दिल्ली, राजस्थान, जयपुर की राखियां उपलब्ध हैं। दुकानदार विकास गोयल डब्बू के अनुसार 40 से 100 रुपए में नग वाली राखियां, कुंदन वाली राखियों की कीमत 150 से लेकर 250 रुपए तक मौजूद है। डायमंड कट वाली राखी की कीमत 200 से 400 रुपए तक है। परंपरागत धागों की कीमत 10 रुपए से लेकर स्टोन वर्क वाले धागे 70 रुपए तक की कीमत में उपलब्ध है। राखी टोटल न्यू कलेक्शन आया हुआ है सर, जयपुर से, दिल्ली से, कलकत्ता से राखियां आई हुई है। लेडीज में बहुत जबरदस्त उत्साह है और फैंसी राखियां आई हुई है। इस टाइम लेडीज लुम्बा बहुत चल रहा है, एडी की राखियाँ आई हुई हैं, बच्चों की टेडी बियर वाली राखियाँ आई हुई हैं, सब फैंसी डिजाइन आए हुए हैं। बहुत ज़बरदस्त राखी के लिए उत्साह है लेडीज के अंदर और बहुत ही अच्छी अच्छी वैरायटी आई हुई है जी। कहाँ कहाँ की वैरायटी आई हुई है? वैरायटी आई हुई है सर, जयपुर से, दिल्ली से, कलकत्ता से, सब फैंसी कलेक्शन आया हुआ है। जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा मीरापुर के मोहल्ला कमलियान में इन दिनों जलभराव की समस्या लोगों की परेशानी का सबब बनी हुई है, जहां कई शिकायतों के बावजूद भी समाधान नहीं हो पा रहा है। जनपद मुजफ्फरनगर के मीरापुर में तालाब के पानी की निकासी नहीं होने के चलते नालियों का गंदा पानी कस्बे के मोहल्ला कमलियान में सड़कों पर भरने से आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानी हो रही है। खास बात तो ये है कि यहाँ से स्कूल से जाने वाले बच्चों को भी काफी परेशानियाँ होती हैं, जिसमें छात्र छात्राएं सभी हैं। दर्जनों गाँवों के बच्चे इस रास्ते से गुजरते हैं, जिससे आक्रोशित स्कूल के बच्चों ने नगर पंचायत के विरुद्ध नारेबाजी की और मीरापुर में गंदे पानी की निकासी के लिए प्राचीन कच्चा पक्का शिव मंदिर के निकट विशाल तालाब बना हुआ है। उक्त तालाब में कस्बे का अधिकांश गंदा पानी जाकर गिरता है, किंतु तालाब पर अवैध कब्जा होने के कारण तालाब का रकबा भी कम हो गया है, जिससे यहाँ मामूली वर्षा के बाद कस्बे के घरों से निकलने वाला गंदा पानी मोहल्ला जाट कॉलोनी, दक्षिणी मुस्तर्क, नवाबपट्टी व मोहल्ला कमलियान में सड़कों पर भर जाता है। किंतु अब हालात बस से बदतर हो चले हैं। लगातार वर्षा होने के कारण नालियों का गंदा पानी कस्बे के मोहल्ला कमलियान में सड़कों पर कई कई फुट भरा हुआ है, जिससे भीड़ भाड़ वाले इस मोहल्ले में स्थित दुकानों पर पहुँचने में व्यापारियों को भी भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जनपद मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाने में सीओ जॉन्सन सोमेंद्र कुमार नेगी द्वारा पुलिस स्टाफ की बैठक का आयोजन किया गया।
सीओ जानसर सौमेंद्र कुमार नेगी व मीरापुर थाना अध्यक्ष पंकज त्यागी ने थाना परिसर में ईद उल अजहा के मद्देनजर समस्त दरोगाओं व पुलिस कर्मियों की बैठक की। इस दौरान बैठक में पहुंचे सीओ जानसर सौमेंद्र कुमार नेगी व थाना प्रभारी पंकज त्यागी ने बैठक में उपस्थित समस्त दरोगाओं व पुलिस कर्मियों से आगामी त्योहार से पूर्व अपने अपने बीट में जाकर क्षेत्रवासियों से मिलकर त्योहार मनाने की अपील की और कहा कि सभी अपने अपने क्षेत्र में घूमकर ग्राम प्रधानों व संभ्रांत व्यक्तियों से मिलकर कुर्बानी के स्थान को चिन्हित करें तथा कोई भी खुले में कुर्बानी न करे और कुर्बानी के बाद साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए और सभी को अपना वे थाने का नंबर सभी को नोट करा दें ताकि वे किसी भी अप्रिय घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दे सकें। इस दौरान एसएसआई राकेश शर्मा, कस्बा इंचार्ज जितेंद्र शर्मा, एसआई ओमपाल सिंह, शीतल शर्मा सहित समस्त पुलिस स्टाफ मौजूद रहा। ये स्टाफ की मीटिंग मैंने ली, थोड़ा सा उनकी समस्या के बारे में भी जान लें और उनको कुछ दिशा निर्देश भी दे दें। तो स्टाफ को एक तो साफ सुथरी वर्दी बार धारण करने के लिए, कंप्लीट वर्दी धारण करने के लिए, समय से ड्यूटी पर जाने के लिए, अपनी बीट में जाते वहाँ के संभ्रांत लोगों से मिलने के लिए, वहाँ के संबंध में जानकारी करने के लिए और कोई भी किसी प्रकार की घटना होती तत्काल उसके बारे में सूचित करने के लिए ये बताया गया। उसके साथ साथ जो है विवेचनाओं के निस्तारण के लिए भी जल्दी से जल्दी विवेचनाओं का निस्तारण करने के लिए उसमें बताया गया। जनपद मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाने में आगामी पर्वों को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता सीओ जानसठ सोमेंद्र कुमार नेगी ने की। जनपद मुजफ्फरनगर के थाना मीरापुर परिसर में ईद उल अजहा के मद्देनजर सीओ जानसठ सोमेंद्र कुमार नेगी व इंस्पेक्टर मीरापुर पंकज त्यागी ने क्षेत्रवासियों के साथ शांति समिति की बैठक की। इस दौरान बैठक में पहुंचे सीओ जानसठ सोमेंद्र नेगी व थाना प्रभारी पंकज त्यागी ने बैठक में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों से आगामी त्योहार को मिलजुल कर मनाने की अपील करते हुए कहा कि किसी भी अप्रिय घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी जाए, क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखें तथा खुले में कोई भी कुर्बानी न करें और कुर्बानी के साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। इस दौरान बैठक में नगर पंचायत के ईओ के न पहुंचने पर लोगों ने जमकर आपत्ति करते हुए कहा कि ईओ अनुप्राय कभी भी किसी बैठक में नहीं पहुंचते, जिस कारण लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। वहीं सीओ सोमेंद्र कुमार नेगी ने आगामी त्योहार पर नगर पंचायत कर्मियों से पानी व सफाई की उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। इस दौरान समस्त ग्राम प्रधान तथा गणमान्य लोग मौजूद रहे। पीस कमेटी की मीटिंग यहाँ थाना परिसर में आयोजित की गई थी और इसमें सभी लोगों से त्योहारों को शांतिपूर्वक सफल संपन्न कराने में जिला द्वारा सहयोग प्रदान करने के लिए बताया गया। साथ ही साथ ईद के अवसर पर जो कुर्बानी होंगी, कुर्बानी को बंद स्थान पर करने के लिए परंपरागत तरीके जहाँ होती रही है वहीं खुली होती है और साथ ही साथ जो कुर्बानी के बाद खून बहता है उसको नालियों में वैसे ही न बहाने के लिए बल्कि जो है उसमें अगर जरूरत पड़ती है तो पर्याप्त मात्रा में पानी उसमें डाला जाए ताकि खून दिखे ना और उससे कोई दिक्कत ना। जो भी कुर्बानी के बाद जो मांस को जो है ले जाते हैं, जैसे कुछ गाँव में कुर्बानी नहीं होती दूसरे गाँव में कुर्बानी करने जाते हैं, वहाँ पर अगर किसी कोई दिक्कत है इस संबंध में पूछा गया और बताया गया कि कहीं कोई दिक्कत आती है तो पहले इस संबंध में बता दें ताकि जो है समस्या का पहले निदान कर। जनपद मुजफ्फरनगर के मीरापुर में परिवर्तन विभाग की टीम की गाड़ी में ट्रक ने टक्कर मार दी जिसमें एक सिपाही की मौत हो गई। जनपद मुजफ्फरनगर के थाना मीरापुर क्षेत्र की उपाध्याय कैंटीन के निकट वाहन चेकिंग के दौरान परिवर्तन दल की कार में ट्रक ने टक्कर मार दी जिसमें परिवर्तन दल के एक सिपाही की मौत हो गई। दरअसल मामला मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा मीरापुर का है जहां मुजफ्फरनगर परिवर्तन दल के एआरटीओ विनीत कुमार मिश्रा अपने हमराही राहुल त्यागी, सुखपाल सिंह, सदनपाल सिंह के साथ मीरापुर थाना क्षेत्र में चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान उपाध्याय कैंटीन के निकट परिवर्तन दल की टीम में शामिल सिपाही जय सिंह ने कार से उतरकर एक ट्रक को रुकने का इशारा किया तो ट्रक चालक ने कार में टक्कर मार दी जिससे सिपाही जय सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे एआरटीओ विनीत कुमार मिश्र द्वारा वह परिवर्तन दल के सिपाही ने कार से मुजफ्फरनगर चिकित्सालय भर्ती कराया जहां चिकित्सकों ने सिपाही जय सिंह को मृत घोषित कर दिया। वहीं मीरापुर पुलिस ने मृतक सिपाही के शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया तथा एआरटीओ परिवर्तन विनीत कुमार मिश्रा की तहरीर पर आरोपी चालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी ट्रक चालक मुरादाबाद के थाना कटघर के मोहल्ला दुर्गेश नगर निवासी धर्मपाल पुत्र करण लाल को गिरफ्तार कर ट्रक को कब्जे में ले लिया है। जा रहा था, वहाँ चेकिंग चल रही थी, आरटीओ साहब की गाड़ी खड़ी थी, इन्होंने ट्रक को हाथ दिया, उसमें एक ट्रक ने साइड मार दी, एक जयविंदर सिंह गिरेवाल जो है सिपाही ऑन स्पॉट जो है खत्म हो गया।
जनपद मुजफ्फरनगर की मीरापुर पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ के बाद दो शातिर शराब तस्करों को भारी मात्रा में अवैध शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। जनपद मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाना क्षेत्र में आबकारी इंस्पेक्टर अरुण कुमार व मीरापुर थाने के SSI राकेश शर्मा, SI जितेंद्र शर्मा व SI नवीन सैनी ने मुखबिर की सूचना पर संयुक्त कार्रवाई करते हुए मीरापुर थाना क्षेत्र के गांव कैलापुर चश्मौन निवासी प्रगट सिंह के फार्म पर छापेमारी की, तो आरोप है कि यहां प्रगट सिंह अपने साथियों के साथ अवैध शराब तैयार कर रहा था। जब पुलिस ने प्रगट सिंह को गिरफ्तार करने का प्रयास किया तो उसने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिस पर प्रगट सिंह के बेटा सुखविंदर गोविंदा पुत्र मलकीत निवासी कैलापुर चश्मौर भी मौके पर पहुंच गए। आरोप है कि यहां तीनों ने पुलिस के साथ गाली गलौज की और सामान छीनने का प्रयास किया और पुलिस पर तमंचे से फायर कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए, जबकि तीनों ने मौके से भागने का प्रयास करने लगे, जिस पर पुलिसकर्मियों ने पीछा कर आरोपी प्रकट सिंह में उसके बेटे को पकड़ लिया, जबकि तीसरा आरोपी गोविंदा मौके से फरार हो गया। पुलिस ने इनके कब्जे से 4 प्लास्टिक की कैनों में भरी अवैध शराब के अलावा अरुणाचल प्रदेश के छान में पवे क्रेजी रोमियो व 5 किलो यूरिया तथा 315 बोर का और कारतूस भी बरामद किए हैं। मीरापुर पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। मीरापुर क्षेत्र में हमारे आबकारी निरीक्षक अरुण सिंह को सूचना मिल रही थी, वहाँ कुछ तस्कर अवैध शराब भी और हरियाणा से लाई शराब को कहीं खपाने के मूड में थे, तो उस सूचना पर मुखबिर गए तो वहाँ उसके पास से 96 पौवे तक अंग्रेजी शराब जो क्रेजी रोमियो की है वो हरियाणा से बनी हुई है वो प्राप्त हुई। उसके पास से 80 लीटर शराब भी प्राप्त हुई है और इसके साथ साथ उस पर एक तमंचा भी हुआ है, जिंदा कारतूस भी 300 के करीब उसे प्राप्त हुआ है। तो प्रगट सिंह पुत्र हरि सिंह और दूसरा एक गोविंद है वो फरार है, तीसरा सुखविंदर सिंह जिनके विरुद्ध मीरापुर थाने में अभियोग दर्ज कराया गया, इसमें आबकारी अधिनियम IPC की 323, 327 और अन्य सुसंगत धाराओं में ये दर्ज किया गया है। सर क्या पहले भी हैं इस कारोबार में जेल जा चुके हैं? इसी सूचना भी नहीं है कि ये पहले कारोबार में गए, लेकिन ये जरूर है कि इस एरिया की शिकायत हमें लगातार मिलती है, अभी क्योंकि हमने जल्दी में ही हमारे स्टाफ ने ज्वाइन कराया है, तो उस सूचना को आज कार्यान्वित हम लोग कर पाए। हलचल इंडिया में आज के लिए इतना ही, आप देखते रहिए हलचल इंडिया।